हाँ, तो मोहम्मद फरमान उस्ता, क्या आप अपना परिचय देंगे कि आपने ये प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट बनाया और किस लिए बनाया है? सभी को सुप्रभात। मेरा नाम फरमान है। मैं कक्षा 10वीं अ का छात्र हूँ। मैं केंद्रीय विद्यालय मीसा कैंट में पढ़ता हूँ। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ये हमने ऐसी जगहों के लिए बनाया है जहाँ पे उमस ज़्यादा होती है। उमस मीन्स ह्यूमिडिटी। जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वाटर की कंसनट्रेशन एटमोसफेयर में ज़्यादा होती है। तो हमें पता है कि जो सॉल्ट होते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है वो एक वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस होता है, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं डेल्यूजेंट प्रॉपर्टी होती है ये सॉल्ट्स की, कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। तो उसके लिए हमने ये बनाया है कि जैसे बीच एरियाज होते हैं वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो वाटर की कंसनट्रेशन होती है एटमोसफेयर में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए जैसे हमने किसी भी रूम में इसको लटका दिया, तो सबसे पहले तो हम उसको लटका देंगे। तो इसमें क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर मेनली एक पॉट है, मड पॉट, जिसके अंदर हमने होल्स कर रखे हैं। तो ये होल्स से क्या होगा कि जो मॉइस्चर है इसके अंदर जा पाएगा। और जाएगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने रखे हैं कॉटन के साथ, इसके अंदर कॉटन है और सॉल्ट्स हैं, और सॉल्ट भी ऐसा नहीं कि कोई महंगी कंपनी का हो, कॉमन सॉल्ट ले सकते हैं हम, क्योंकि कॉमन सॉल्ट ज़्यादा असरदार रहेगा। तो हमने कॉमन सॉल्ट लिया कि कॉमन सॉल्ट एब्जॉर्ब करेगा। हमने इसको पॉट के अंदर डाल दिया, और इस पॉट के अंदर हमने जैसे बताया कि कॉटन और सॉल्ट है, तो जो सॉल्ट है वो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बुलाएगा, और जो कॉटन है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बात अलग है कि थोड़ा सा मॉइस्चर हमारे सॉल्ट में भी जाएगा, मगर उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब हम इसको किसी रूम में लटका देंगे, जैसे ये कमरे में अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, तो हमने इसको किसी एक जगह पे लटका दिया, उसके बाद तो ये सारी की सारी ह्यूमिडिटी इसके अंदर चल जाएगी। तो उससे जैसे हम सोते टाइम कर सकते हैं, हम सो रहे हैं, उमस ज़्यादा है, बारिश का मौसम है, तो हमने इसको लटका दिया ताकि सारी की सारी ह्यूमिडिटी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। सारी की सारी तो नहीं हो पाएगी, मगर 50 से 70% एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने इसमें मटेरियल यूज़ किया है उसकी क्या कॉस्ट रही होगी? इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसकी जो कॉस्ट है वो कुछ ज्यादा नहीं, बस 70 रुपीज है। जैसा हमने स्लाइड में दिखाया है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 70 रुपीज, बिकॉज द मड पॉट इज ऑफ 40 रुपीज। एंड यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो क्लॉथ है वो सिर्फ 10 रुपीज़ का है और सॉल्ट 20 रुपीज़ की है। तो मड पॉट 40 रुपीज़, सॉल्ट 20 रुपीज़ एंड क्लॉथ 20 रुपीज़, तो इसमें कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। और सॉल्ट को भी हम चाहें तो एक हफ्ते में एक बार या 2 दिन 3 दिन में एक बार बदल सकते हैं, तो उसकी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। हाँ, तो आप बताइए कि आपने ये प्रोजेक्ट कैसे किया और ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमिडिटी एब्जॉर्बर। इसकी हमें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो इसकी जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हम आसाम में रहते हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो और मेनली जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पीपल जो हम लोग हैं, हम लोगों को जो आसाम के नेटिव्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ह्यूमिडिटी से। तो उसके लिए हमने ये बनाया है। इसके लिए ज़्यादा कुछ हमें 3 मटेरियल चाहिए होते हैं। 3 मटेरियल है, ड्राई सॉलिड सॉल्ट, अर्थिकल पॉट एंड कॉटन, जो कि हमने इसके अंदर डाल रखे हैं। उसके बाद प्रोसीजर भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें हमें सिर्फ 5 से 6 स्टेप करना है। टेक एन अर्थन पॉट विच विल मेक 50 स्मॉल पोर्स अराउंड द पॉट। हमें मतलब 50 छेद कर देना है इस पॉट के अंदर लगभग। अब ये छोटा पॉट है इसलिए हमने इसमें कम किए हैं। जैसे अगर हम बड़े रूम के लिए कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बड़ा पॉट लेना है, तो बड़े रूम के हिसाब से ये। टेक मिक्सचर ऑफ कॉटन बॉल्स एंड ड्राई सॉलिड सॉल्ट। तो ये जो हमने यहाँ बॉल्स बना रखे हैं इसके अंदर कॉटन और सॉल्ट है, जिससे ये यहाँ एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद फिल द अर्थन पॉट विद द मिक्सचर, ये हमने इसको फिल कर दिया। उसके बाद एंड पुट द अर्थन पॉट इन एनी कॉर्नर ऑफ द रूम, हमने जैसे इस कॉर्नर में इसको पुट कर दिया, तो अब जितनी भी इसमें मॉइस्चर होगा रूम में सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये और 50 से 60% एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं कि 10 से 15। उसके बाद ऐसा क्यों, क्योंकि
क्योंकि कॉमन सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये कैपेसिटी टू अट्रैक्ट मॉइस्चर, और इस प्रॉपर्टी को का नाम है डेल्यूकेसेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि एक डेल्यूकेसेंट सब्सटेंस है। जैसे हमने यहाँ इमेज भी लगाई है कि जब हम इसको बिना पानी के रखते हैं तो ये ऐसा रहता है, लेकिन पानी एब्जॉर्ब करने के बाद, यानी ये पानी को डालने के बाद एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका मतलब है डेल्यूकेसेंट प्रॉपर्टी शो करता है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो लोग जिनके कमरों में ये लग रहा होगा अब उनको कंफर्टेबल फील होगा, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं लगेगी। और जैसे हमने यहाँ कॉमन सॉल्ट लिया है क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है, हम उसकी जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं, जो जो आपके पास अवेलेबल हो जाए जो टाइप का सॉल्ट वो। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई इंजूरियस सॉल्ट हो या नुकसान पहुंचाने वाला? नहीं, ज़्यादा नुकसान किसी से भी नहीं पहुंचेगा। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो हम उसको थोड़ा डाइल्यूटेड सॉल्ट लेना है बस। टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की 70 है, जैसा मैंने बताया, मड पॉट 40 रुपीज, सॉल्ट 20 रुपीज एंड क्लोथ 10 रुपीज। अच्छा, तो आसाम के लोग आसानी से इसका उपयोग करते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कई लोगों के पास गए तो कई लोगों के पास ही नहीं है, मगर जिन लोगों से हमने पूछा कि आप कैसे रहते हैं, तो कई लोगों ने हमें बताया कि वो नमक वाले पानी को अपने कमरे में रख देते हैं। तो हमने वहाँ से भी इंस्पिरेशन ली है कि अगर हम नमक को ही डायरेक्टली बिना पानी के रूम में रख दें तो उससे भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो फरमान, आपने बताया था कि नेचर ने भी खुद को जो है इस फिनोमिनन के अकॉर्डिंग बना रखा है, कैसे? मैंने बताया था कि नेचर ने भी अपने आप को इस फिनोमिनन के हिसाब से बना रखा है। जैसे हमने ये लिया एक बीच, ये जो है बीच साइड, बीच साइड पे एक घर है और यहाँ पे समुद्र है, सी है यहाँ। अब सी है तो यहाँ से इवोपरेशन होगा, हमें पता है इवोपरेशन होगा तो इवोपरेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक घर है, अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तब उस हिसाब से यहाँ पे जो सी का वाटर कई बार चढ़ता है, तो वाटर चढ़ेगा ही, सी लेवल ऊपर नीचे होता है, तो यहाँ पे सॉल्ट्स रह जाते हैं कुछ। अब वो सॉल्ट्स की भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, सारा का सारा ऊपर जाता है। उसके बाद इसमें से वाटर निकल गया, वाटर निकलने में अब ये वो प्रॉपर्टी शो करेंगे जिससे कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया तो उस वजह से, और हम लेते हैं ये नाइट का टाइम, नाइट के टाइम में क्या होता है कि जो यहाँ पे होता है लैंड पे, वहाँ प्रेशर लो हो जाता है, और लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ की सारी वेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवोपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर, तो हमें पता है कि जितने भी प्रेशर होते हैं वो हाई टू लो जाते हैं, तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे ये जो सॉल्ट्स हैं यहाँ, ये सारे सॉल्ट्स इस हाई मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, ताकि बीच पे लोग आसानी से रह सकें, इसलिए नेचर की हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो अब मैं बताना चाहूँगा कि ये होता कैसे है सब कुछ, क्योंकि अभी हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमने ये जो पॉट लिया है, जैसे ये यही पॉट है, जैसे इसमें कई सारे हमने छेद किए हैं, तो ये इसमें छेद, तो अब इन छेदों से जो आसपास का मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने रखे हैं ये, इसके अंदर है ये सिस्टम है। अब इसमें क्या है, ये है हमारा पॉट, इसके अंदर रखे हैं हमने ये स्ट्रक्चर, इसके अंदर है सॉल्ट। अब सॉल्ट जो है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, जैसे हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी, तो ये जो H2O है, अब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें है सॉल्ट, ये सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ हमने कॉटन बॉल्स रखी है। क्यों? ताकि जो सॉल्ट खींच के लेके आए मॉइस्चर को, H2O को, कॉटन एब्जॉर्ब करे, क्योंकि कॉटन ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएगा सॉल्ट से। उसके बाद ये अट्रैक्ट हो रहा है सॉल्ट से, और ह्यूमिडिटी जो है वो 50% to 60% कम हो जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया आपका प्रोजेक्ट, थैंक यू।
फरमान बताइए कि 3 दिन बाद क्या हुआ यहाँ? यहाँ पे 3 दिन बाद ये जो पॉट है यहाँ बाहर से भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है। अब हम ये वाली पोटली देखते हैं, ये नमक की, तो ये देख लो, ये यहाँ से भी ये पूरी काली दिख रही है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया और ये पूरी पूरी ठंडी हो चुकी है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि जो नमक है वो वाटर को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और इससे हम कमरे की ह्यूमिडिटी कम कर सकते हैं। जैसे हमने 2 दिन से इस कमरे को बंद रखा था और अभी इस कमरे में आए हैं तो ये पूरा का पूरा मॉइस्चर लेस हो चुका है इस कमरे में। अब जैसे ठंड ज़्यादा हो गई है, पहले गर्मी लग रही थी इसमें 2-3 दिन पहले। ठीक, ओके।